वैसे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एडुकेशन के यूट्यूब चैनल में तो देखिए ये 2021 का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है ये एग्ज़ाम एक तारीख को हुआ था ठीक है तो ये अभी का 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहा था स्पेशल एग्ज़ाम खासकर स्पेशल एग्ज़ाम जो हो रहा है देखिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है स्पेशल एग्ज़ाम नाइन्टी मार्क का ही है ट्वेंटी पास मार्क है तो यहाँ पर आपका थर्टी जो सिलेबस है उसको रिड्यूस करके वो क्वेश्चन बनाया गया है तो आप देख सकते हैं ट्वेंटी वन का क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है आप दो हज़ार बाईस में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो भी स्टूडेंट ट्वेंटी टू में अपना एग्ज़ाम अटेम्प करेंगे उसके लिए ट्वेंटी वन की क्वेश्चन ट्वेंटी नाइनटीन के क्वेश्चन हालाँकि जो क्वेश्चन का यहाँ पर पे पेटर्न पे था मैंने क्वेश्चन को एनालाइज़ किया मैंने तो देखा कि ज़्यादातर क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन एंड सिक्सटीन से डायरेक्टली हु बहू कॉपी राइट ही किया गया है ठीक है ट्रूफॉल्स था ये देखिएगा मैं दिखाता हूँ ये लेंचों से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे लेंचों से हालांकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वैसा वो, वो डीपली पूछा भी नहीं गया डायरेक्टली क्वेश्चन थे नेशनल मंडेला से क्वेश्चन थे ठीक है तो अब देखिए ये कर लीजिएगा आराम से यहाँ पे स्क्रीन शॉट मार ले या लिख दीजिए अपना लिख लीजिए फिर भी होगा ठीक है हालाँकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगा मेरा जो आपका सप्लीमेंट इंग्लिश है वहाँ से, से क्वेश्चन तो हु कॉपी था टू एंड सिक्सटीन का डायरेक्ट क्वेश्चन uh, दिया हुआ था आप अगर देखिएगा कुछ ठीक है तो ये सब क्वेश्चन uh, आप लिख लीजिए देखिए ये वाला जो चारों क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं ये फाइव मार्क फाइव मार्क वाला ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी राइट है ये क्वेश्चन फिफ्टीन में था ये भी दो क्वेश्चन आपको फिफ्टीन सिक्सटीन के अंदर मिल जाएगा ग्रिफिन वाला तो शायद ट्वेंटी नाइनटीन में भी पूछा गया था तो ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट कॉपी है आ, मैं अब क्या बोलूँ जो आपको क्या बस कहना इतना ही चाहता हूँ कि जितना भी प्रीवियस पेपर है उसको फॉलो करना चाहिए उसमें जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको पढ़ना चाहिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्ज़ाम के लिए हाँ आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे टीचर ने कहा है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो आ गया है वो नहीं आएगा तो ये सरासर गलत है आप प्रमाण भी देख ही सकते हैं यहाँ तक का जो मेन बुक से क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे देखिए जो डिटर्मिनेस था बहुत ही इजी वे में पूछा गया था ठीक है यहाँ पे देखिए कोविड नाइन्टीन से दे ही दिया था ये क्वेश्चन बना के दे दिया हालांकि प्रीपोजिशन के अंदर द ओल्ड मैन डाइड ठीक है ऑफ कोविड नाइन्टीन ठीक है फ्रॉम नहीं होगा इन नहीं होगा ऑफ ही होगा ठीक है तो यहाँ पे देखिए इजी ही है ऐसी कोई टाफ है नहीं देखा जाए तो प्रीपोजिशन की जो पैटर्न रही है वो भी हालाँकि इतना एकदम नॉर्मल पैटर्न से ही दिया हुआ था यहाँ पर आपका सेंटेंस करेक्शन था हेराइब्स होनी चाहिए सही है वाज ब्रोकन द ग्लास वाज ब्रोकन राइट है ग्रामर की मैं कहना चाहता हूँ ग्रामर की बहुत सारा ग्रामर मैं करा चुका हूँ आप हमारे प्लेलिस्ट नहीं देखें हिंदी ग्रामर असामिस ग्रामर इंग्लिश ग्रामर वोकेबलेरी नेरेशन प्रीपोजिशन वॉइस चैन करेक्टर बहुत कुछ कराया गया है आप आराम से वहाँ पे विजिट कीजिए प्लेलिस्ट में और जाके आराम से देखिए समझ में सब आ जाएगा एक एक पॉइंट को तोड़ के समझाया गया है चेंज फ्रॉम द नरेशन नरेशन आया हुआ था ना हर नरेशन में देखा जाए तो थोड़ी सी नरेशन पहला वाला तो ठीक है हालांकि दूसरा वाला थोड़ी सी अलग ही भाव दिखाई दे रहा है लेकिन होता है कोई बात नहीं एग्जामिनर ऐसा थोड़ी है कि सभी आपको क्वेश्चन बच्चे का जैसा ही दे दे वॉइस चेंज में देखिए वॉइस चेंज इतना टफ है नहीं कंबाइन था आपको जोड़ना था सेंटेंस को दो सेंटेंसों को एक जगह जोड़ना ठीक है तो ये आया हुआ था यह है वोकेबलेरी वोकेबले का पार्ट यह डायरेक्ट रिविटेशन है ये भी आगे का आगे जो आया हुआ था वहाँ से डायरेक्ट उठा के दिया गया है मैं एक सेंटेंस की बात करूँ डायरेक्ट आगे का क्वेश्चन टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन जो भी स्टूडेंट पढ़ा है उसका यह सब ग्रामर निक मतलब छूटेगा ही नहीं इम्पॉसिबल हो जाता है करेक्ट एनी थ्री आपको करेक्ट करना है करेक्ट यहाँ पे सेंटेंस इरो रहता है इसको आपको ठीक करना है ये ग्रामर में जिसकी पकड़ अच्छी होगी वही बच्चा सही तरीके से कर पाता है नीचे आ जाता है ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन के अंदर आप आसामीस वाले आसामीस पढ़ के ट्रांसलेशन इंग्लिश में कीजिएगा बेंगोली वाले बंगली को पढ़ के इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे बोडो वाले बोडो में पढ़ के ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी वाले हिंदी में तो वेरियस लैंग्वेज दिया हुआ है लिखाई आपको लिखना है सिर्फ लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो नेपाली वाले नेपाली में तो नेपाली में लिखना नहीं है हालांकि आपको लिखना है इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है ये दिया हुआ है देखिए अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते हैं तो आपको सबटेंस राइटिंग लिखना पड़ता है सबटेंस राइटिंग में क्या होता है आपको मेन पॉइंट उठा के रखना पड़ता है बाय द वे इसका वीडियो मैं बनाने वाला हूँ सबटेंस राइटिंग कैसे लिखना है जो भी स्टूडेंट ट्रांसलेशन uh, नहीं करना चाहता है प्रॉब्लम फेस करता है वो सबटेंस राइटिंग आराम से छः मार्क का कर सकता है इसके बाद आ जाता हूँ कि देखिए ये जो ऐसे राइटिंग है सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बहुत सारे ऐसे दे भी चुका हूँ देने वाला भी हूँ आज ही डालूंगा फिजिकल एक्सरसाइज डिसिप्लिन एम इन लाइफ हालांकि ये डिसिप्लिन डायरेक्ट दे दिया इस बार आने का चांसेस दो बहुत ज़्यादा था डिसिप्लिन और फिजिकल एक्सरसाइज तो उसके अंदर डिसिप्लिन दे ही दिया आपकी बार एग्ज़ाम में एम इन लाइफ डेली लाइफ फिजिकल एक्सरसाइज को ले लीजिए फ्लोड इन असाम कोविड नाइन्टीन ये सब आने के चांसेस रहेंगे यो फेवरेट गेम अच्छी बात है दे यूज़ एंड एबूज़ ऑफ़ सोशल मीडिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही इस्तेमाल यूज़ एब्यूज लिखना है लाभ हानि समझ लीजिए इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट यह चाहता है कि मैं ऐसे ना लिखूं तो आप रिपोर्ट राइटिंग को आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग को पढ़ लेना है समझाया किया गया है एक कुत्ता होता है आपने कहानी सुनेंगे दादा दादी से एक कुत्ते एक मांस की टुकड़ा लेके जाता है वैसे कुछ कहानी है ठीक है तो पानी में अपना छवि देखता है सोचता है वो कुत्ता उसका भी मीट छीन लूँ तो छीनना चाहता है तो अपना मीट भी गिर जाता है मतलब कहता है ना लोभ ही पाप होता है तो लोभ नहीं करना चाहिए ये बातें सही है इससे हमें कुछ सीखने को भी मिलती है तो बाय द वे आशा करता हूँ आप जरूर इसको समझेंगे और लिखेंगे हाँ यहाँ पे गार्जियन के पास लेटर भी आया हुआ था राइट राइटर लेटर यू आर फादर इंड गार्जियन टेलिंग हिम हाउ यू फेस लास्ट एग्जामिनेशन आपने लास्ट एग्जामिनेशन में कैसा फ़ेस किया उसके बारे में बतलाना है अगर वो नहीं लिखते हैं तो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है रिपोर्ट का कुछ पैटर्न दे दिया जाता है आपको कैसे लिखना है देखिए ये धुबरी में तारीख दे दिया जाता है समय दे दिया जाता है इफेक्ट होता है सराउंडिंग एरिया में क्या इफेक्ट होता है पूरा यहाँ पे बताया जाता है डेमेज होती है क्या क्या डैमेज होती है आपको इस पॉइंट को पकड़ते हुए आपको रिपोर्ट को तैयार करना पड़ता है रिपोर्ट राइटिंग हालांकि मैं डाल दूंगा अपनी वीडियो आपको कैसे लिखना है समझ में आ जाएगा ठीक है इसलिए कहता हूँ ये सब अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करना चाहते हैं जो भी स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलेगा और बातें है कि जो लाइक है व्यू बहुत आ जाते हैं लाइक रहता नहीं है तो सो कृपया करके कोई चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे तो आप गुरु दक्षिणा के तौर पर यही समझिए एक लाइक ज़रूर कर देना है ठीक है और आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा मैं आपकी कमेंट हमारे हम मतलब मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं बच्चे चाहते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है सोल्यूशन हो जाए या जो देखिए कमेंट कौन स्टूडेंट करेगा जो स्टूडेंट पढ़ता है जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वही तो कमेंट करेगा ना जो फेस ही नहीं कर रहा है पढ़ता ही नहीं ये वो कहाँ से कमेंट देगा कि सर मेरा आज प्रॉब्लम आ गया है मैं रिपोर्ट नहीं समझता हूँ सर मेरे पास लेटर राइटिंग नहीं सर मुझे ऐसे इंपॉर्टेंट चाहिए वो तो वही करेगा ना जो बंदा पढ़ेगा चलिए इसके बाद था आ, यहाँ पे पैसेज था एक पैसेज देखिए पैसेज में दो टाइप होती है एक सीन अनसिन रहता है लेकिन हालांकि क्लास टेन में ऐसी पैटर्न है नहीं डायरेक्टली दे दिया जाता है दो पैसेज आपको लिखनी पड़ती है ठीक है तो दोनों पैसेज को आपको पढ़ के आंसर नीचे दिया रहता है ये कोई भी स्टूडेंट से हो जाता है ठीक है भाई जब इतना ही था मैं कहना चाहता हूँ दोनों पैसेज देख लीजिएगा तो हालाँकि इसमें एक ही दिया नहीं दो है देखिए बी है और ए है दस मार्क का है इंग्लिश uh, का जो क्वेश्चन को देखा गया एनालाइज किया गया इंग्लिश हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया गया था बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था कोई भी स्टूडेंट आराम से चाहे कोई मीडियम से बिलोंग्स क्यों ना करता हो आराम से अटैम कर सकता था क्वेश्चन की पैटर्न ऐसी थी बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है बिना मेहनत से देखिए मेहनत ही रंग लाता है तो बब टेक केयर